नमस्कार दोस्तों, न्यूज उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। भाजपा मंडल अध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्र ने गौ पूजन कर किया पशु मेले का उद्घाटन। 29/12/2022 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दिवसीय पशु आरोग्य मेले का आयोजन कस्तूनीपुर में किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्र ने गौ पूजन कर मेले का शुभ आरम्भ किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जेपी सिंह, डॉक्टर अजय मिश्रा, डॉक्टर हिम्मत कुमार कुशवाहा, डॉक्टर कौशल किशोर, पूर्व मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे, मंडल उपाध्यक्ष राधेश्याम शुक्ल, मंडल महामंत्री राम गोपाल कौशल, जयवीन सिंह, मंडल मंत्री अमित यादव, देव नारायण यादव सहित काफी संख्या में पशुपालक, ग्रामवासी व क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। 29/12/2022 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दिवसीय पशु आरोग्य मेले का आयोजन कस्तूनी पूरब में किया गया, जिसमें मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जेपी सिंह, डॉक्टर अजय मिश्र, डॉक्टर हेमंत कुमार कुशवाहा, कौशल किशोर जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे, मंडल उपाध्यक्ष राधेश्याम शुक्ल, मंडल महामंत्री राम गोपाल कौशल, जयबिंद सिंह, मंडल मंत्री अमित यादव, देवनारायण यादव सहित ग्रामवासी, पशुपालक व क्षेत्रवासी उपस्थित रहे और मेले का लाभ प्राप्त किया। आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ कि मेला हो, चाहे भाषण शिविर हो, चाहे टीकाकरण हो, चाहे किसी प्रकार की योजना हो, सभी लोग खासतौर से जनप्रतिनिधियों से निवेदन करेंगे जो हमारे हैं, इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें। खासतौर से अपने मंडल अध्यक्ष साहब से भी निवेदन करूंगा कि अपने मंडल में जितनी भी ग्राम सभाएं हैं सबको जागरूक करिए। आप सूची बना के दे दीजिए ना कि भाई आपके पास 60 गांव है, 60 गांव में कम से कम नहीं तो 5 हमें 3 हमें दिया, 5 और दे देंगे हम, क्या दिक्कत है? ये कोई दिक्कत नहीं है, बहुत करना है, डॉक्टर दे देना, स्टाफ दे देना, कैंप देना, 2 ही घंटे के लिए लगाएंगे, अस्पताल बंद करके 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक लगा देंगे। ऐसा कोई नियमावली नहीं लिखा हुआ करेंगे, 11 बजे से करेंगे। अरे बहुत होगा, माला नहीं होगा, मिठाई नहीं होगी, पूजन नहीं होगा, कुर्सी टेबल नहीं होगा, देवी टेबल लगा के हो जाएगा। क्यों भाई तिवारी जी, दवा होनी चाहिए सबको, वो डब्बा पर्याप्त आएगा, मिठाई नहीं रहेगा, डब्बा नहीं, दवाई का डब्बा रहेगा, दवाई का डब्बा। हमारा सभी से निवेदन, दवा की हमारी वार्ता के दौरान की बात, हमारे यहाँ कैंप नहीं लगा, हम बताना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से कितने लोग भी आए हुए हैं, अभी कोई 1 गांव 4 गांव इकट्ठा करके